हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? क्या हाल है सभी के? तो आज हम उस चीज की बात करेंगे जो चीज लगभग तुम सभी में कम है, मतलब ह्यूमन ब्रेन। और तुम में से कुछ है जैसे क्यूएन विक्टोरिया स्फूर्ति, बच्चे लेट नहीं आते हैं और क्लास जो होती है पुरानी, सभी क्लासेस में आना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है कि एक क्लास में आए दो क्लास में नहीं आए मायरा। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे फटाफट से सेशन को क्या करेंगे, फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन ब्रेन टुडे। सो आर यू रेडी रितेश यादव? गुड इवनिंग गूगल बॉय बेटा, हाय हमारा हाय। ठीक है, अंजलि बोल रही सर मैं आई। क्या बात बेटा स्फूर्ति। चलो बेटा, तो ह्यूमन ब्रेन को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा। आपको सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो ह्यूमन ब्रेन है वो 250 बिलियन, मतलब कि 2.5 बिलियन न्यूरॉन्स लगभग बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो लगभग 4 इयर्स तक पूरा ग्रो करता है, फिर 18 इयर्स तक कनेक्शन बनते हैं। तो आज हम सारी की सारी बातें करने वाले हैं, सारी की सारी बातें हम आज करने वाले हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन ब्रेन। सो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी टू स्टार्ट विद द ह्यूमन ब्रेन? आर यू रेडी टू स्टार्ट विद द ह्यूमन ब्रेन? बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। अमायरा, शिया, अंजलि, बच्चों लाइक और शेयर करो बेटा, लाइक और शेयर करो। शिया बेटा हाय, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्फूर्ति वेयर वर यू इन द लास्ट क्लास? है अश्वनी सिंह, मास्टर प्रभास कैसे हो बच्चा? सभी बच्चे चले? अभिनव यादव, अभिनव आदित्य, नरेंद्र, चलिए बच्चों तो शुरू करें हमारा आज का लेक्चर। आप सभी का स्वागत है। मोहल्ले में शोर मचा दो, अपने ग्रुप्स में शोर मचा दो, जितने भी तुम्हारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, इंस्टा के, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, सभी को बोल दो कि आ जाओ भैया, दिमाग पे चर्चा है तो दिमाग लेके आ जाओ अपने। ठीक है, चलिए बेटा आप सभी का स्वागत है। प्रियांशु, माय नेम इज राहुल शर्मा एंड आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स टू द मेडिकल स्टूडेंट इन द कोटा। दिस इज माय कोड RSS10, बाय व्हिच यू कैन गेट अ 10% ऑफ ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? यू कैन आल्सो जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड वी शुड टॉक अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, वेयर यू विल गेट लाइव क्लासेस, वेयर यू विल हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। ठीक है, जो प्लस सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टॉप एजुकेटर्स है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, मेंटरशिप, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज एंड लाइव क्विजेस, मॉक टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल सकता है बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसको हासिल करने के लिए आपको अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपल जाइए प्ले स्टोर पे, इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, प्लस सेक्शन पे जाइए, अपना गोल सिलेक्ट करिए बच्चों। गोल को हासिल करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही सस्ता है। 1042 रुपी पर मंथ की EMI के अंदर आपके पास अवेलेबल है। ये 24 मंथ के लिए है और 12 मंथ के लिए 1250 की EMI के ऊपर अवेलेबल है। इस EMI को और कम करना है प्लस के लिए, तो हम इसके ऊपर RSS10 कोड लगाएंगे तो 10% ऑफ यहाँ पे हो जाएगा। मतलब 25,000 का कोर्स है अगर 24 मंथ का, तो इसके ऊपर तेरे 2500 तक ऑफ हो जाएंगे, तो ये तेरे को और भी कम पड़ेगा। समझ गया? बट कोर्स का नाम याद रखना RSS10, जो तुमको इस्तेमाल करना है। आगे चले हम बात करते हैं बच्चों और भी डिटेल में, और भी अच्छे से, तो प्लस और आइकॉनिक के बारे में। तो अब ये आइकॉनिक है जहाँ पे तुमको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर जैसे बहुत अमेजिंग फीचर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, 24 मंथ के लिए बच्चे तेरे को पे करना है यहाँ पे 2000 रुपीज पर मंथ या 48,000। अगर तू कोड का इस्तेमाल करेगा RSS10, तो यहाँ पे भी तेरे को 10% का ऑफ अपने सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। 12 मंथ के लिए भी अवेलेबल है और सभी बच्चे 3 मंथ से लेकर 24 मंथ तक इसको ले सकते हैं। तो आइकॉनिक सबसे अच्छा पैकेज है बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, इसको ले लो। ठीक है, अभी अकेडमिक ऑफर भी चल रहा है, न्यू अकेडमिक ऑफर, इसके अंदर 12 मंथ पे 2 मंथ एक्स्ट्रा, 24 पे 4 मंथ एक्स्ट्रा और 48 मंथ पे 6 मंथ एक्स्ट्रा। और अभी IPL भी चल रहा है जिसके अंदर जो बच्चे सबसे ज्यादा डाउट पूछेंगे अप्रैल के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज, और जो एक दिन में सबसे ज्यादा डाउट पूछेंगे उसको हाईएस्ट एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलेगा। कैसे पूछने हैं डाउट? आस्क डाउट सेक्शन में जा, अपने डाउट की फोटो पोस्ट कर एंड हम आपको वीडियो सोल्यूशन देंगे उसका। तो फटाफट से IPL चल रहा है, अपने डाउट पूछो और फेवरेट प्राइजेस
जीतने का मौका पड़ा बेटा। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके अंदर आपका फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री है, एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, टॉप 3 विनर्स और टॉप 300 को 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। सेकंड में 11 बजे है, RSS 10 कोड का इस्तेमाल करके इसके अंदर एनरोल हो जाओ। सेकंड में 11 बजे याद रखना बेटा, 30 सवाल, 60 मिनट रियल टाइम ऑल इंडिया रैंकिंग, एनरोल फ्री नाउ बाय यूजिंग द कोड RSS 10। एनरोलमेंट इज फ्री, फटाफट से जाके इसको एनरोल कर लो बच्चों, ठीक है। So I think you all are ready now. We have to start with the session and let us start. ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो आप सभी के लिए मैंने स्क्रीन पे दी है, जल्दी से इसको देख के पढ़ो बेटा, जल्दी से इसको देख के पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या समझ में आया स्लाइड से। सभी को दिख रहा है, ब्रेन में न्यूरॉन्स का बनना तो दिख ही रहा है बेटा। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जब जब आप एवरी टाइम यू रिकॉल अ मेमोरी और हैव अ न्यू थॉट यू क्रिएट अ कनेक्शन इन द ब्रेन। जब जब आप कुछ सोचते हैं नया, जब जब आप कुछ ऐसी चीज सोचते हैं और कुछ करने की सोचते हैं, जब जब न्यूरॉन में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है बेटा, जब जब न्यूरॉन के अंदर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई बात। व्हेन यू ट्राई टू थिंक अ न्यू थॉट और व्हेन यू रिकॉल अ मेमोरी यू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो तो 5 साल तक 6 साल तक मैक्सिमम होता है, 4 साल तक, ठीक है, 4 से 6 साल माना जाता है कि जो ब्रेन की सेल बन रहे हैं, उसके बाद ब्रेन के सेल बनना बंद हो जाते हैं, तो सर क्या होता है फिर, दिमाग तेज कैसे होता है? दिमाग तेज होता है जब तुम उसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जब तुम लगातार सवाल कर रहे हो, तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो लगातार तुम्हारे दिमाग में नए नए थॉट आ रहे हैं, नए नए कनेक्शन बन रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो तो नए नए कनेक्शन बन रहे हैं, इससे तुम्हारा दिमाग तेज होगा, तुम्हारे दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तुम लोग एक बुद्धिमान स्टूडेंट बन जाओगे अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई दिमाग का काम नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो दिमागी रूप से क्या रहोगे, पिछड़ जाओ, ठीक है, दिमाग उतना तेज नहीं चलेगा जितना तेज चलना चाहिए, समझ गए। तो हमेशा सोचते रहो, सवाल करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। मास्टर गूगल बॉय अंजलि वेर इज इशू मोहन आस्था बेटा, वो कहाँ है सारे के सारे बच्चे, उनको बुला के लाओ, कुणाल अश्वनी जसप्रीत कौर अभिनव आदित्य सभी बच्चों को बुला के लाओ जो भी जहां जहां भटक रहे हैं, अक्षय कुणाल, समझ गए। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हमको जो पढ़ने की जरूरत है वो ये है कि हमारा न्यूरल सिस्टम क्या है बेटा। हमारा न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हमारा न्यूरल सिस्टम की बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आ रही है, तेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रही है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इंक्लूडेड इन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये 2 तरीके के हैं। ऑटोनॉमिक के अंदर कम्युनिकेट विद द इंटरनल ऑर्गन एंड द ग्लैंड्स, ठीक है। ऑटोनॉमिक क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड से कम्युनिकेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द सेंस ऑर्गन एंड द वॉलंटरी मसल, तो आपके वॉलंटरी मसल की जिम्मेदारी किसकी है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड वाले की है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है। अब ऑटोनॉमिक को 2 पार्ट में और डिवाइड कर ले, सिंपैथेटिक यानी कि अरोजिंग, यानी कि ये इससे क्या होता है, बॉडी एक्टिव होती है, और पैरासिंपैथेटिक यानी कि कॉलमिंग, इससे तो काम हो जाएगा, काम डाउन किससे होता है, पैरासिंपैथेटिक से, और अरोजिंग कौन सा होता है, सिंपैथेटिक। फिर हमारे पास सोमेटिक के तो है सेंसरी यानी कि अफेरेंट, जो कि सेंसरी इनपुट देती है, चीजों को लेके आती है, इनपुट होता है, और ये मोटर यानी कि आउटपुट, ये जो उसका रेस्पॉन्स है, ये स्टिमुलस को लेके आती है, रेस्पॉन्स को लेके जाती है बच्चे।
समझ गया बात को? तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल जो भी होती है, पेरिफेरल हमारी नर्व जो होती है वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मतलब पूरी पूरी नर्व आती है बॉडी में जो फैली हुई है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है, समझ गए सही बच्चे बात को? शिया, श्रुति, प्रियांशु, चलो बेटा तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर जिसके ऊपर है उसकी, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर स्पेसिफिकली ब्रेन के बारे में है, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बाकी की चीजों को भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द ब्रेन। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आप सभी इसको देख के ही पहचान गए हो, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है लेना और करना, सॉल्व भी करना बहुत जरूरी है बेटा। ब्रेन हैज अ थ्री डिविजन, फोर ब्रेन, माइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ठीक है बेटा, फोर ब्रेन लगभग माना जाता है कि सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर एक पार्ट होता है सेरिब्रम, ठीक है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, तीन पार्ट हो गए इसके, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीन पार्ट है इसके, किसके, फोर ब्रेन इसके, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, कॉर्पस कैलोसम इसकी बात करेंगे, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, मिड ब्रेन यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, हाइंड ब्रेन, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको पूरे को हमको पढ़ना है, इसको पूरे को हमको पढ़ना है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, लाइक एंड शेयर करेंगे, थैंक यू सो मच हमारा बच्चे, थैंक यू सो मच बेटा, लाइक और शेयर करते रहो, सेशन को शेयर जरूर से करते रहो। तो चलिए बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो द ब्रेन, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो कमांड एंड कंट्रोल कौन कर रहा है आपका, ये ब्रेन कर रहा है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कौन कर रहा है बेटा, ब्रेन आपका कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है। इट कंट्रोल दी वॉलेंटरी मूवमेंट, आपकी बॉडी के जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेगा, बैलेंस ऑफ दी बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ दी वाइटल इनवॉलेंटरी ऑर्गन, ठीक है, जितने भी वाइटल इनवॉलेंटरी ऑर्गन है जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इन सब के फंक्शन को भी ये रेगुलेट करता है, सिर्फ और सिर्फ वॉलेंटरी के ही नहीं आपके इनवॉलेंटरी के भी करता है। शीतल अदाना, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड बेटा हमारा आकाश बॉय, तो शेयर करते रहो यार सेशन प्लीज, ठीक है, थोड़ा सा शेयर जरूर से करना है हमको। थर्मोरेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट, सर्कैडियन साइकिल, रिदम ऑफ आवर बॉडी, एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है तेरा ब्रेन, ठीक है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, ब्रेन इज योर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बच्चों। एंड चाहे आपके वॉलंटरी मूवमेंट की बात की जाए या फिर आपके बॉडी के फंक्शनिंग की बात की जाए, इनवॉलंटरी के अंदर जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स है बच्चे, ठीक है, हार्ट है, किडनी है, आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का जिम्मा है वो भी ब्रेन के पास ही है बेटा, थर्मो रेगुलेशन, आपको भूख लगना, प्यास लगना, सर्कैडियन साइकिल यानी कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का महसूस होता है, रात होते ही आलस आता है, सुबह उठते ही आलस आता है, दिन में तुमको आलस आता है, तो तुमको हर वक्त आलस आता है इसलिए तुम पढ़ते नहीं हो, बट सर्कैडियन साइकिल क्या बोलती है कि आप सुबह उठोगे तो आप फ्रेश होंगे, ठीक है, आप काम करोगे, पढ़ोगे, रात होती है, सोने का टाइम होता है, बट तुम लोगों के लिए ऐसा नहीं है, तुम लोगों का दिमाग अब अलग तरीके से विकसित हो रहा है, इसलिए तुम लोग टाइम पे नहीं आते हो क्लास के अंदर और लाइक और शेयर भी नहीं करते, ठीक है। मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है बेटा गूगल, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा लाइक और शेयर कर, इस मोस्ट पावरफुल ऑर्गन के बारे में समझना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, तो ह्यूमन का बिहेवियर और एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन भी आपका जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है, ह्यूमन का बिहेवियर और एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन भी ब्रेन कंट्रोल करता है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है बच्चों, ठीक है। स्फूर्ति, कुणाल, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और ये देखो इस बच्चे के दिमाग से जो ज्ञान निकल रहा है वो ज्ञान की भाषा देखेंगे आप। इट ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग द विजन, आप क्या देख रहे हैं, मैंने बताया था कि ऑप्टिकल नर्व दिमाग के पास आती है, हियरिंग क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या याद है, इंटेलिजेंस कितना दिमाग में तुम्हारे घुस रहा है, इमोशन कि क्या फील कर रहे हो, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ने बेटा मौका है, तो ये वाला इमोशन लेके अभी पढ़ो बेटा, ठीक है, एंड थॉट्स,
ठीक है, ये भी बात है कि क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, किस तरीके का इमोशन है, क्या याद है, क्या याद नहीं है, क्या देख पा रहे हो, क्या सुन पा रहे हो, देख सुन के क्या बोल पा रहे हो, कितना इंटेलिजेंस है तुम्हारे अंदर, ये सभी चीजें। और इमोशंस की बात हमने जरूर से करी है, ठीक है। तो हाथ जोड़ के अपने दिमाग को एक सही दिशा में लेके जाओ और जितनी भी गंदगी है, नेगेटिव थॉट है, उसको बाहर निकालो और पॉजिटिव को अंदर डालो, यानी कि पढ़ाई को अंदर डालो। और ये जितने भी तुम्हारे आज की है, आज की टू है, आज की वन है, ठीक है, ये जो प्यूबर्टी आने के ऊपर हार्मोन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उन सारे इमोशंस को हटाओ और अपने फ्यूचर को बनाओ। बच्चों, डॉक्टर बनो। सर मैं पहले से आ गई हूँ, आपको मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है। बेटा अभी दिखा है सौम्या, पहला मैसेज है तेरा, ठीक है बेटा, ये तेरा पहला मैसेज है श्रुति। तो सही बच्चे बेटा, लाइक और शेयर करते रहो मास्टर प्रभास राठौर, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इन द स्कल। ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, जिसको आप तुम लोग कई नाम पे जानते हो, खोपड़ा, खोपड़ी, टाट, ठीक है, ये जो कई नाम पे तुम लोग उसको जानते हो, ये होता है स्कल, जिसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, यानी कि क्रेनियम, ठीक है। बेटा ब्रेन कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन डजन कंट्रोल द ब्रेन, ठीक है। अगर तेरा ब्रेन हाईजेक हो रहा है तो बहुत ज्यादा हार्मोन के कंट्रोल में तू कफूद है, ठीक है। यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट, योर पास्ट, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल बाय दिस सिंगल यूनिट व्हिच इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ योर बॉडी व्हिच इज नोन एज ब्रेन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। रियांशु हाय, बच्चे अर्पिता हाय बेटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, यानी कि क्रेनियम। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो कौन से दो पार्ट होते थे, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। एक तो जिसके पास ब्रेन बॉक्स होता है और एक जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं होता है। समझ गए बच्चे बात को। बेटा शिवम वर्मा, तो अनअकैडमी का ग्रुप है 11th और 12th, वहां पे आ जा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल। द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर, अ वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड एरेक्नॉइड, एंड अ थिन लेयर कॉल्ड एंड अ इनर थिन लेयर व्हिच इज इन द कांटेक्ट ऑफ ब्रेन टिश्यू कॉल्ड पियामिड। देख बेटा ऐसी बात है, सही बच्चे ध्यान से देखो कि ब्रेन जो होता है हमारा, ये जो ब्रेन होता है हमारा, ठीक है, ये ब्रेन का आउटर पार्ट मैंने बनाया, सही बच्चे ध्यान से देखना बेटा। इस ब्रेन के आउटर वाले पार्ट पे होता है तेरा, ये जो आउटर वाला पार्ट है इसके ऊपर होता है तेरा, बाहरी सतह पे होता है क्रेनियल मेनिंजेस, तो होते ही हैं, ठीक है। तो आउटर लेयर को बोलते हैं हम लोग ड्यूरा मैटर, क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, सही बच्चे ध्यान से देखना बेटा। ये आउटर लेयर को क्या बोलते हैं बच्चे, ड्यूरा मैटर बोलते हैं। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, ठीक है। उसके बाद होता है तेरा इनर लेयर, उसके बाद कौन सा होता है, थिन मिडिल लेयर, थिन मिडिल लेयर हम बना देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। जो थिन मिडिल लेयर होता है, वेरी थिन मिडिल लेयर फॉर एरेक्नॉइड, तो ये होगी तेरी एरेक्नॉइड, समझ रही बात को। सही बच्चे बात को समझ रहे हो। ये वेरी थिन लेयर कौन सी है, बीच वाली, क्या है, एरेक्नॉइड, कौन सी है, याद, नाम याद रखना बेटा, एरेक्नॉइड। आप अगर न्यूरो सर्जन बनोगे तो सबसे पहले आप ड्यूरा मैटर को देखोगे, हटाओगे, उसके बाद मिडिल लेयर कौन सी होती है, एरेक्नॉइड, जो कि मिडिल होती है, ठीक है। और इनर मोस्ट कौन सी होती है बेटा, पिया मैटर, पिया, पिया मैटर याद आ रहा सभी को। इनर मोस्ट कौन सी है तेरी, विच इज इन द कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यूज ऑल्सो, तो विच इज इन द कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यूज ऑल्सो, उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको बोल रहे हैं हम कि वो कौन सा है, वो है पिया मैटर। तो वो क्या है तेरा,
पियामेटर जो कि कांटेक्ट में है किसके, ब्रेन टिश्यू के, तो ये है तेरा पियामेटर इनर मोस्ट। ठीक है, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट। तो ये तेरे ब्रेन से अगर तू बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो बेटा इस तरीके के स्ट्रक्चर तेरे को दिखाई दे। समझ गए बात को सही बच्चे? हाँ या ना जवाब देंगे भैया? कहाँ गए सारे सारे? बेटा ये समझ में आ गया कि अगर तू ब्रेन बॉक्स से बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो सबसे पहले ड्यूरा मैटर, उसके बाद एरेक्नॉइड और अंदर ही अंदर पिया मैटर, जो कि पिया मैटर इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। पिया मैटर इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल गूगल बॉय, बिल्कुल सही बात है शीतल, वेरी गुड बेटा दिनेश, वेरी गुड प्रिंस सिंह। चलो बेटा तो आगे बात करेंगे। तो तीन तरीके के हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पार्ट होते हैं ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो ये एंटीरियर पार्ट होता है, इसके अंदर सेरिब्रम और डायनसेफेलन यानी कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस यहाँ पे होते हैं, समझ रहे हो बात को? बच्चे शेयर करते हैं बिटवीन दी। और मिड ब्रेन कहाँ पे होता है? मेसेंसेफेलन भी बोलते हैं। ये होता है तेरा थैलेमस और हाइपोथैलेमस के और पॉन्स के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ फोर लोब कॉर्पोरा कॉर्टिजियमेनिया जो विजुअल रिफ्लेक्स करते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स करते हैं, एंटीरियर पेयर। इसके बाद दो लोब, देखो बेटा इसके बाद इस तरीके से लोब होते हैं। मैं तुमको तो फिर बता रहा हूँ कि लोब क्या होते हैं, इस तरीके से ये इसके बाद चार लोब होते हैं। ठीक है, दो तो विजन के लिए होते हैं, ठीक है, और दो किसके लिए होते हैं? ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो आपके ऑडिटरी और विजनरी ये कहाँ से कंट्रोल होती है? मिड ब्रेन से। क्या आप देख रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, ये मिड ब्रेन डिसाइड करता है आपका। और हाइंड ब्रेन के पास आपका सेरिबेलम होता है, पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जिसके अंदर बॉडी के बहुत सारे रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म दी ब्रेन स्टेम, और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिला के क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। राम अग्रवाल, हाय बच्चे। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। चलो बेटा सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जितना भी देखो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा जगमगाता हुआ, ये क्या है? सेरिब्रम ही है। तो मेजर पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज फॉर्म बाय सेरिब्रम। मोनिका धैया बेटा लेट नहीं आना चाहिए भाई, गुरप्रीत। ठीक है बच्चों, तो मेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज फॉर्म बाय द सेरिब्रम। ये जो भी देखो बड़ा सा हिस्सा दिखता है, ये तेरा सेरिब्रम ही है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनल इनटू द हाफ। ठीक है, उसको बोलते हैं सेरिब्रम हेमिस्फेयर। तो आपने सभी ने देखा होगा सेरिब्रम हेमिस्फेयर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो बीच में से वो क्या बन जाता है? सेरिब्रम हेमिस्फेयर बन जाता है। ठीक है, ये देखो तुम लोग यहाँ पे देखो फ्रंटल लोब होता है इसका, जो कि थिंकिंग मेमोरी और बिहेवियर एंड मूवमेंट। ठीक है, क्या आप सोच रहे हो, क्या आपकी याददाश्त है, ठीक है, और मूवमेंट को कंट्रोल करता है फ्रंटल लूप। ठीक है, फिर होता है आगे वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, अगर इस हिस्से में तेरे चोट लगेगी तो तेरी याददाश्त जाएगी इस हिस्से में। ये जो हिस्सा है ना आगे वाला फ्रंटल लूप, फ्रंटल लूप है ये लाल कलर का हिस्सा तेरे यहाँ पे होता है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात? सभी को दिख रहा है भैया? बोलो जानकारी के अनुसार सभी को समझ में आ रही है? ये है बेटा तेरा फ्रंटल लूप। ठीक है, जिसको मैं पकड़ के बता रहा हूँ, ये वाला तेरा फ्रंटल लोब है, ये बीच वाला तेरा पराइटल लोब है। ये क्या है बेटा? ये है तेरा पराइटल लोब। क्या है ये तेरा पराइटल लोब? जहाँ पे लैंग्वेज और टच, ठीक है, भाषा और टच का जो सेंस है वो तेरा पराइटल लोब देगा। अब जो बुद्धि होती है, बुद्धि जिसको बोलते हैं हम, उस वहां पे होता है ऑसिपिटल लोब। ठीक है, जो कि साइट के लिए होता है, क्या दिख रहा है देखो उस समय। ठीक है, और सेरिबेलम यानी कि बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो अल्कोहल जो है बेटा इसी के ऊपर अफेक्ट करता है, अल्कोहल कंजप्शन इसके ऊपर सबसे पहले अफेक्ट करता है। इसीलिए जो पीते हैं वो ऐसे चलते हैं झूमते हुए। ठीक है, तो सेरिबेलम तेरा कोऑर्डिनेशन करता है मूवमेंट का, बैलेंस का, बॉडी का। तो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं सबसे पहले अल्कोहल का असर सेरिबेलम पे होता है, इसलिए जो मूवमेंट होता है बॉडी का उस पर फर्क पड़ता है। फिर आता है तेरा बीच के अंदर आता है टेम्पोरल लोब।
ठीक है, जो कि हियरिंग, लर्निंग और फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार है। ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रीदिंग, हार्ट रेट और टेम्परेचर, यानी कि इनवॉलंटरी के लिए ब्रेन स्टेम जिम्मेदार है। समझ में आ गई बात सभी को? गुरप्रीत, वेरी गुड बेटा। शिया, सौम्या, वेरी गुड, वेरी गुड। बुद्धि जो होती है बेटा फ्रंटल लोब, ठीक है, मेमोरी जो होती है फ्रंटल लोब। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय, देखो बेटा ब्रेन जो होता है ये तेरा ब्रेन है, मैं बताऊं तेरे को और बात, अगर ये तेरा पूरा ब्रेन है ये अगर तेरा ब्रेन है बेटा पूरा, तो ये ब्रेन के दो हिस्से होते हैं आप सभी को पता है। अगर ये एक को बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो बीच की लाइन होती है बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस कैलोजम। ये कॉर्पस कैलोजम बेटे क्या करता है? आपके ब्रेन के दो हिस्सों को कनेक्ट करता है। कॉर्पस कैलोजम आपका जो ब्रेन है उसके अंदर बीच में आपको पता है दरार होती है, उन दोनों को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उन दोनों को। जैसे कि ये ब्रेन है तेरा, ये देख, ये जो ब्रेन है ना यहाँ पे, देख बच्चे ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये देख दरार दिख रही है, ये वाली दरार सभी को दिख रही होगी, ये दरार, ये बीच का एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। और ये जो बीच में दरार होती है इसके बीच में क्या होता है? कॉर्पस कैलोजम होता है। ये वाली दरार की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है बेटा। तो ये कॉर्पस कैलोजम क्या करता है? दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। ऐसे कॉर्पस सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, द लेयर व्हिच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रेफर टू एज अ ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रे अपीयरेंस। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाहर वाला होता है वो ग्रे मैटर इसको बोल रहे हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स डार्क कलर का होता है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर। तो न्यूरॉन सेल बॉडी, न्यूरॉन को जानते हो तुम सभी, तो न्यूरॉन्स का ये वाला हिस्सा जो होता है साइटोन वाला, ठीक है, ये तो हो गया तेरा एक्सोन। तो ये जो होती है सेल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी कहाँ होती है बेटा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होती है, ग्रे मैटर के अंदर होती है। तो ग्रे मैटर के अंदर ही सेल बॉडी कंसंट्रेटेड होती है, इसी वजह से वो ग्रे दिखता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन द मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, यानी कि मिक्स्ड रीजन भी होते हैं, ठीक है। सेंसरी एरियाज तो होते ही है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, साथ ही साथ में वहां पे क्या होते हैं? वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं? मिक्स्ड रीजन भी होते हैं, जो ना तो क्लियरली सेंसरी है ना क्लियरली कैसे है मोटर। तो ये बात भी ध्यान रखना आपसे, ठीक है बेटा। वेरी, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड दीपा होलकर, वेरी गुड। बच्चे आगे चलते हैं हम लोग। द रीजन आर कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन। फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट which constitute the inner part of cerebral hemisphere. तो inner part वाला कौन सा होगा? जिसमें axon होंगे किसके साथ? myelin sheath के साथ। तो axon जहाँ पे होंगे myelin sheath के साथ बेटा, वो क्या बनाएगा तेरा? वो तेरा बनाएगा white matter। वो क्या बनाएगा तेरा? white matter। तो cell body तो कहाँ थी? cell body तेरी कहाँ थी? ये जो थी, ये तो थी तेरी डार्क मैटर, ठीक है। इसमें क्या बनाया तेरा? डार्क मैटर। और ये क्या बना रही है तेरा? व्हाइट मैटर। और ये कहाँ होंगे? इनर साइड पे होंगे, सेरिब्रम के इनर साइड पे होंगे। तो ये क्या बनाते हैं? व्हाइट मैटर। दिस गिव द ओपेक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर हेड, इट इज कॉल्ड एज अ व्हाइट मैटर। The cerebrum wraps around the cord as thalamus, which are major coordinating center of the sensory and the motor signaling. ठीक है, तो white matter से ज्यादातर क्या होती है? Major coordinating center है ये, आपकी body का major coordinating center है, मतलब आपकी body के लगातार coordination करने में सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है? thalamus वाला region कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना कि cell body जो होती है neurons की, वो बाहर की तरफ होती है, वो dark matter बनाती है, और ये अंदर की तरफ होती है, ये white matter बनाती है, और ये सेंसरी सिग्नलिंग और कंट्रोलिंग के अंदर मदद करती है, मोटर कंट्रोलिंग के अंदर ये मदद करती है, ठीक है।
बेटा व्हाइट मैटर क्यों होता है ये बात ध्यान रखना। व्हाइट मैटर इसलिए होता है क्योंकि जो एग्जोन वाला पार्ट है, माइलिन शीट वाला पार्ट है, वो ओपेक व्हाइट अपीयरेंस देता है, और जो सेल बॉडी वाला पार्ट है वो डार्क अपीयरेंस देता है। समझ गए बात को? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो और देखो बेटा, नॉलेज ही क्या है, ब्रेन की एक्सरसाइज। ब्रेन की एक्सरसाइज है मतलब पढ़ोगे तो जितना ज्यादा ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको सभी को पता है कि हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक हार्मोन सीक्रेट करता है और नंबर ऑफ सेंटर होते हैं विच कंट्रोल द बॉडी टेंपरेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इट इज कंटेन द सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ठीक है, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन, जैसे कि जीएनआरएच, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है, ये ऐसे हॉर्मोन सीक्रेट करते हैं कौन, हाइपोथैलेमस। बात समझ आ रही सभी को? बिल्कुल सौम्या, दिख रहा है बेटा मैसेज? शिया बेटा दिख रहा है मैसेज? दिख रहा है सौम्या? दिख रहा है मैसेज शिया? मैसेज दिख रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। राम अग्रवाल, सभी का मैसेज दिख रहा है शिया, ठीक है। मोनिका, समझ में आ रही है यहां तक की बात? तो बेटा अपने दिमाग की एक्सरसाइज करो और पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए आगे तरफ बढ़ेंगे। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड द ग्रुप एसोसिएटेड विद इट इज लाइक अमाइग्डाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लूप और द लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिस्टम बनते हैं। टेम्पोरल लोब आपके इमोशंस के लिए होता है, ऑसिपिटल इमेजेस के लिए होता है, पैरेटल इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन के लिए होता है, फ्रंटल के अंदर आपकी मेमोरी और बेसिक लॉजिक और मोटिवेशन कहाँ पे होता है, फ्रंटल लोब में आता है। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ठीक है, एंड एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फीवर। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के ब्रेन में से लिम्बिक लोब को हटा दिया जाए, माने कि अगर लिम्बिक लोब को हटा दे किसी के ब्रेन में से, तो वो आदमी फियरलेस हो जाता है, ठीक है, वो आदमी इमोशनलेस और फियरलेस हो जाता है। इफ यू रिमूव द लिम्बिक लोब फ्रॉम वंस ब्रेन देन द पर्सन विल बी फियरलेस, ठीक है, और इमोशनलेस हम उसको बोल सकते हैं बच्चे। फिर उसको किसी बात का डर नहीं होता, उसको किसी बात का खौफ नहीं होता, अगर आप उसका लिम्बिक लोब हटा दो तो। बात समझ में आ रही है बात? शिया, मोनिका, अर्पिता, सभी को बात समझ में आ रही है? राम अग्रवाल, हिमांशु जी, बढ़िया है बेटा, ठीक है, हिमांशु है तो कोई बात नहीं। लिम्बिक लोब एक ऐसी जगह है जहां पे आपका डर, एक्साइटमेंट, खुशी, प्लेजर, गुस्सा, डर, सब कुछ, मोटिवेशन, सब कुछ कहां से होता है, लिम्बिक लोब। इसको हटा दोगा तो इंसान फियरलेस हो जाएगा, तो डर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो ब्रेन फंक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रेन के फंक्शन में देखते रहे अपन ने, फ्रंटल लोब पढ़ा जो कि बिहेवियर, इंटेलिजेंस, मेमोरी और मूवमेंट, ठीक है, ये बात कर रहा है। फिर हम पढ़ रहे हैं टेम्पोरल लोब जो कि बिहेवियर, हियरिंग, मेमोरी, स्पीच और विजन, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। फिर हमने पढ़ा कौन सा, ब्रेन स्टेम जो कि ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, स्वॉलोइंग और हार्ट बीट, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। और लास्ट में हमने पढ़ा सेरिबेलम जो कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जिसको अल्कोहल सबसे पहले अफेक्ट करता है, समझ गया। फिर ऑप्टिकल लोब है जो कि विजन के लिए स्पेसिफिक है, समझ गया बात को यहाँ तक की, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और फिर लास्ट के अंदर है तेरा पैराइटल लोब जो कि बीच वाला होता है, लास्ट के अंदर तेरा पैराइटल लोब होता है जो इंटेलिजेंट, लैंग्वेज, रीडिंग और सेंसेशन के लिए होता है, समझ गया। तो ये पूरा पूरा ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के सिस्टम है, जो तुमको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल में। किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? आप ब्रेन फंक्शन आपके सभी की समझ में आ गए हैं बेटा? हाँ या ना जवाब दे, हम लोग आगे की तरफ बढ़े। फिर सभी को समझ में आ गए हैं ब्रेन फंक्शन, बोलो भाई हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को भी? चलो बेटा, तो मिड ब्रेन की बात करेंगे हम लोग। हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया है, नाउ वी टॉक अबाउट द मिड ब्रेन। क्लियर है बेटा? सी आर, वेरी गुड। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन दी थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ दी फोर ब्रेन एंड दी पॉन्स ऑफ दी हाइंड ब्रेन, ठीक है। अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विटक जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, पासेस थ्रू दी मिड ब्रेन। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ दी मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली फोर राउंड ऑफ स्वेलिंग लोब्स
इसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेनिया। कौन से लोग होते हैं, चार लोग होते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेनिया। मैं पढ़ा चुका हूँ, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन क्या बनाते हैं, ब्रेन का स्टेम बनाते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेनिया ये बनता है। ठीक है, सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन और सबसे कम काम भी मिड ब्रेन का ही होता है। बट इसके बाद जो चार लोब्स है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमेनिया, जो कि आपके देखने की क्षमता को, सुनने की क्षमता को कंट्रोल करते हैं। फिर आता है आपका हाइंड ब्रेन। बेटा ये हाफ हेमिस्फेयर ऑफ ब्लड है, ये हाफ हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन है, ये हाफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये देख सकता है तू। द हाइंड ब्रेन कंबाइंस ऑफ पॉन्स सेरिबेलम मेड्यूला, आल्सो कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास कई सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर्स होते हैं, जैसे कि वॉमिट सेंटर, ऐसे बहुत सारे सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट द रीजन ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम हैज वेरी वेरी कॉन्क्रीटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस टू मोर एंड मोर न्यूरॉन। तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि ये घुमावदार इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ब्रेन ऐसा दिखता है कि जैसे सलवटें आ रही है, वो क्यों आती है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे समाया जाए। द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज द कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला कंटेन द सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। देयर आर थ्री मेन रीजन ऑफ द ब्रेन व्हिच आर द नोन एज द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा बहुत सारे कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, वोमिट सेंटर। सर्वाइव द मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर राइट हैंडेड। बेटा राइट हैंडेडनेस और लेफ्ट हैंडेडनेस इज द इनहेरिट प्रॉपर्टी एज वेल एज। ठीक है, और ये है शुरू से जो लोग जिस तरफ मूव करते हैं, जैसे कि हमारे कल्चर है कि सीधे हाथ से खाना खाओ, सीधे हाथ से लिखो, सीधे हाथ से पढ़ो। ठीक है, तो इट इज वेरी इफेक्टिव टू यूज योर राइट हैंड, ठीक है, देन योर लेफ्ट हैंड। और जो लेफ्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सर मैं नीट 2003 का एक्सपीरियंट हूँ, मैंने अपना 11th का सिलेबस 9th स्टैंडर्ड में फिनिश कर लिया था और अभी 12th का पढ़ रहा हूँ। तो अनिमेश बेटा 9th में जो पढ़ा था बेटा वो कुछ भी नहीं है, और जब 11th में है वो बहुत कुछ है। तो तू पहले 11th पढ़ बेटा। ठीक है बेटा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड शिया, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड बच्चे। बेटा लाइक नहीं कर रहे हो सेशन को, लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो सेशन को, ये गलत बात है बच्चों। सही बच्चे लाइक और शेयर करते रहो भाई, ये जरूरी है हमारे लिए कि हम लाइक और शेयर करते रहे सेशन को। चले, तो ये था हमारा मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये फ्रंटल लोब हमने देख लिया था, ये पूरा पूरा एनिमेशन आपके सामने है ही। ठीक है बेटा, ये रहा तेरा नीचे वाला ब्रेन, जिसके बाद चार लोब होते हैं इस तरीके से। ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये ब्रेन स्टेम होता है, यहाँ पे ये पूरा पूरा सेरिब्रम होता है, ये तेरा टेम्पोरल लोब सेरिबेलम है। ठीक है सर, एक और फैक्ट है कि लेफ्ट हैंडेड होने वाले इंटेलिजेंट होते हैं। सर अब गूगल हुआ है क्या करें बेटा, जो भी सारे इंटेलिजेंट होते हैं, जो पढ़ता है वो सारे इंटेलिजेंट होते हैं। चलो बेटा, तो क्विज टाइम है, आज हमने ब्रेन के पार्ट पढ़ लिए हैं, लगभग लगभग ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। सौम्या शर्मा बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो नाउ इज द क्विज टाइम, लेट अस अंडरस्टैंड सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ब्रेन। ठीक है, यू कैन राइट विद बोथ द हैंड्स फॉर द वेरी बच्चे, वेरी वेरी। चलो तो क्विज टाइम के लिए रेडी हो सभी, तो रेडी हो तो लाइक और शेयर करके बता दो सेशन को कि हाँ सर हम रेडी हैं। बच्चों लाइक और शेयर करके बता दो कि हाँ सर हम रेडी हैं। चलिए, तो ये रहा पहला सवाल, जिसका आंसर तुमको दिख गया शायद। द केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स फ्रॉम द न्यूरॉन टू द अनादर एट द साइनेप्स इज अ फॉर्म ऑफ न्यूरॉन टू अ मसल इज बाय, क्या होगा इसका आंसर। बी होगा आंसर, वेरी गुड। इसका आंसर तुमको दिख ही गया था, एसिटाइल कोलीन, वेरी गुड बेटा, एसिटाइल कोलीन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, व्हिच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल द वॉलंटरी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल द वॉलंटरी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो वॉलंटरी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम,
कॉर्पस कैलोजम या मेडुला। सर मैंने नहीं देखा था, कोई बात बेटा सिया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड ईशु मोहन। बेटा आज तो आया ही नहीं क्लास के अंदर, इतना लेट आया है। आज ब्रेन के बारे में पढ़ाई करी हमने। क्या होगा आंसर? बी होगा इसका आंसर। वेरी गुड बच्चों, सेरिब्रम इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्स रिएक्शन इज अ वर्टिब्रल इज एन एसेंशियल डिस्प्ले इंड्यूस्ड बाय। वेरी गुड अंजलि कुणाल, विशाखा, वेरी गुड गूगल अपेक्स, वेरी गुड अपेक्स लेजेंड, सोमा, दिशा घोष, बहुत बढ़िया, करीमा मिश्रा, बहुत बढ़िया, शिया, सौम्या, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ईशु मोहन आंसर कर बच्चे। चलो बेटा बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हो, अगली तरफ इसका आंसर करो जल्दी से। अर्पिता बी, अच्छा क्लास में थी, कमेंट नहीं किया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, मतलब पढ़ लिया तुमने सारा। स्फूर्ति, राम अग्रवाल, हिमांशु, सौम्या, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अंजलि बी होगा अगेन, तो बी होगा अगेन, तो वेरी गुड। मोटर न्यूरॉन जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को लेके जाती है डिस्प्ले करने के लिए, वेरी गुड। अगला सवाल, एसिटाइल कोलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू। एसिटाइल कोलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स थ्रू। जल्दी बताओ, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनेप्स, क्या होगा आंसर? क्या होगा बेटा आंसर? हिमांशु जी आंसर कर बेटा, आंसर कर, इसका आंसर क्या होगा? गरिमा ने बी बोला है, स्फूर्ति ने फोर्थ बोला है, तो सारे बच्चे स्फूर्ति बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड, डी आंसर होगा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो स्फूर्ति ने सही आंसर बोला है, गूगल बॉय ने सही आंसर बोला है, जसप्रीत ने एक्सॉन बोला है जो गलत है, सौम्या ने गलत बोला है, कुणाल कुमार ने गलत बोला है, टेनियर गलत होगा बेटा, ठीक है। अंजलि का सही है, ईशु मोहन वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अब दोबारा से आंसर सही नहीं कर सकते, ईशु मोहन बहुत बढ़िया बच्चे, सही आंसर दिया। शिया वेरी गुड बेटा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर्ड रिफ्लेक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर इज एन अक्वायर्ड रिफ्लेक्स, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अक्वायर्ड, यानी कि सीखा हुआ रिफ्लेक्स कौन सा है? साइक्लिंग, पेरिस्टाल्टिक, स्नीजिंग या ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऐसा रिफ्लेक्स है जो कि एक्वायर्ड है, यानी कि सीखा हुआ है? जल्दी बताओ अंजलि, जल्दी बताएंगे बेटा आंसर। स्फूर्ति ने वन बोला है, शिया ने वन बोला है, सौम्या ने वन बोला है, जसप्रीत, गरिमा मिश्रा ने वन बोला है, क्या बात है, क्या बात है। नस्वा नूर, साइकिलिंग, वेरी गुड बेटा, अपेक्स, वेरी गुड गूगल, त्रिमूर्ति, वेरी गुड शिया, कुणाल, सौम्या, दिनेश कुमार, सेजल जायसवाल, वेरी गुड बच्चों। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? साइकिलिंग इज द राइट आंसर, यानी कि साइकिल चलाना सीखे हो तुम लोग, वो एक्वायर्ड है, तुमने सीखा है। और सीखना तो तुम बचपन से सीख के आते हो, तुमको कोई सिखाने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। लाइक और शेयर बच्चे, सेशन को लाइक जरूर से करते रहो यार, लाइक करना कोई रुकेगा, लाइक और शेयर जरूर से करते रहो बच्चे। अगला सवाल, द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज, सेरिबेलम का फंक्शन, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी गुड सौम्या बच्चे, वेरी गुड गुरप्रीत, वेरी गुड बेटा। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। The main function of cerebellum is memory, control of metabolism, body balance या hearing। गरिमा मिश्रा C, क्या बात है बेटा गरिमा। कंचन, हेलो बेटा, लेट नहीं आना है कंचन, जल्दी आना है, गुड आफ्टरनून। आदर्श सक्सेना C, गरिमा C, गूगल बॉय C, कंचन चतुर्वेदी C, वेरी गुड शिया बेटा, कुणाल, सौम्या, विशाखा, वेरी गुड सीजल, वेरी गुड हिमांशु, अर्पिता, बहुत बढ़िया बेटा अर्पिता, गूगल बॉय ए, तो सही बच्चे ए बोल रहे हैं, पर आंसर यहाँ पे सी होगा, जो कि कई बच्चों ने बोला है, जिसके अंदर सौम्या का नाम है, विशाखा का नाम है, गरिमा का नाम है, शिया का नाम है, सौम्या का नाम है, वेरी गुड श्रुति कोठारी, कुणाल कुमार, गूगल बॉय सी बोल लगा है अब, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड शिया। अगला सवाल, संदेश
माई ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड सर, संदेश ये पढ़ाई का डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे होता है डेवलप, टाइम लगता है कुछ लोगों में। कंचन चतुर्वेदी बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। भैती रानी बहुत बढ़िया। मोनिका धैया वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अगला सवाल ठीक है, विच वन शोज अ रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क जो बनती है कैसे बनती है? सदाशिव, अंजलि, क्या हुआ बेटा अंजलि? नहीं लेंगे बेटा, नहीं लेंगे, अब बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तेरा नाम राम कुमार, भूल जा। श्रुति हेलो बेटा, अंजलि वेरी गुड। तमीज बेटा, तमीज में रहे राम, हिमांशु जो भी तेरा नाम है ठीक है। गरिमा वेरी गुड बच्चे, अर्पिता, दिलेश्वर साहू, श्रुति, कुणाल, सौम्या वेरी गुड, कुणाल, हिमांशु। सर ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में कि मेरे अभी तक के आंसर सही है, क्या बात है। 17-18 साल का ही तो है तू, मतलब जब से तू पैदा हुआ है वैसा ही हुआ। बिल्कुल विशाखा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, सही पहचाना बेटा। मैं वहां पर पढ़ाया आपको, यहाँ भी पढ़ाएंगे आपको। गरिमा जी सी बोल रही है, रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन। और बहती रानी बी बोल रही है ठीक है। कंचन चतुर्वेदी सी। शिव शंकर ऐसा क्यों होता है सर, कुछ बच्चे मेरे जैसे डम होते। बेटा डम कोई नहीं होता सदाशिव, जो तू पढ़ेगा तू भी होशियार हो जाएगा। नो वन इज डम, नो वन इज डम बेटा। मेंटली क्विजेस नहीं लेते हैं क्योंकि सभी बच्चों के आंसर नहीं पता लगते उसके अंदर, सिर्फ टॉप वालों को पता लगते हैं। इसलिए बेटा सभी का पता लगता रहे तो सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये पता लग जाता है। पर मेंटली में सिर्फ टॉप 10 के नाम पता लगते हैं, बाकी बच्चे बेचारे आंसर कर रहे हैं कोई फायदा नहीं रहता। चलिए बेटा, तो आंसर यहाँ पे बी है, सी नहीं है बेटा ठीक है। गरिमा, विशाल, ए नहीं है बेटा। हिमांशु रो मतलब ठीक है बेटा। बी आंसर सही है अंजलि, वेरी गुड, वेरी गुड। ईशु मोहन, कुणाल वेरी गुड। हाँ अरे क्वीन विक्टोरिया, बॉडी बैलेंस मैंने बताया था कि शहरी बैलेंस बॉडी बैलेंस करता है ठीक है। बॉडी बैलेंस का मैंने बहुत अच्छे से बताया था बेटा, बॉडी बैलेंस यानी कि शहरी बैलम करता है, और शहरी बैलम के ऊपर अल्कोहल का सबसे पहले इफेक्ट होता है ठीक है। अल्कोहल का इफेक्ट होता है, इसीलिए तो अल्कोहल पीने के बाद आदमी झूमता है ठीक है, समझ में आ रही बात। क्योंकि अल्कोहल सबसे पहले जाके शहरी बैलम के ऊपर अफेक्ट करता है। इसको इफेक्ट इसको बताएं बेटे, इसको बेटा सबसे पहले मान कि ये है हिमांशु, तो हिमांशु बोल रहा था मेरा नाम नहीं लेते, ये लो हिमांशु का नाम ले लिया, ये हिमांशु है ठीक है। ठीक है, अगर इसको मैंने यहां से पिन चुबाई, इसको यहां से हमने पिन चुबाई, इस इंसान को हमने यहां से पिन चुबाई, तो सबसे पहले कौन इसको सिग्नल को लेंगे, स्टिमुलस को कौन लेंगे? रिसेप्टर्स लेंगे। तो यहां से रिसेप्टर्स ने लिया ठीक है, यहां से सबने इस रिसेप्टर ने इसको लिया। अब इसको रिसेप्टर को लिया तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, पहले इसको दर्द होगा, तो ये दर्द कहां जाएगा, यहां जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, जो कि बीच में है इसके ठीक है, जो कि इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, वापस इसको स्टिमुलेट करके इस मसल के पास भेजेगी। तो बेटा ये तो होगा रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड या मसल, ब्रेन के पास क्यों जाएगा, सीएनएस के पास जाएगा। सीएनएस में या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा या फिर ब्रेन के पास जाएगा, समझ में आ गई बात। अंजलि, हिमांशु समझ में आई बात, समझ में आ गई बात हिमांशु बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, समझ गए बेटा। चलिए बेटा सीएनएस में जाएगा या तो ब्रेन में जाएगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, ऐसा नहीं होगा कि स्पाइनल कॉर्ड में भी जा रहा है ब्रेन में भी जा रहा है ठीक है, समझ गए। तो फिर तो रिफ्लेक्स में बहुत टाइम लग जाएगा ना, रिफ्लेक्स में तो आराम से आ जाएगा। हिमांशु को समझ में नहीं आया बेटा, हिमांशु और अच्छे से समझना है रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक पिन चुबा, तो जब पिन चुबाएगा तो वो तुरंत उस पिन को हटाने का मौका मिलेगा, तो तुरंत अपना हाथ पीछे लेके जाएगा। और जब तो अपना हाथ पीछे लेके जाएगा तो क्या होगा, वो क्या है, वो रिफ्लेक्स है कि वो जो एक्शन तूने दिया, यहाँ पे मौजूद रिसेप्टर यानी कि सेंसरी नर्व ने उसको रिसेप्ट किया, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक गए, स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन ने उसको वापस दिया और फिर उसने झटका हाथ वापस ठीक है। इसलिए बेटा बी होगा।
पहले रिसेप्टर रिसीव करेगा, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? वेरी गुड हिमांशु, आदर्श। चलो बेटा अगला सवाल सौम्य, वेरी गुड बच्चों। अगला सवाल, कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू कैरोटिक आर्टरी। थैंक यू सो मच शिया बेटा, थैंक यू सो मच। हिमांशु बोल रहा था मेरा नाम मत लेना, मैंने हिमांशु को नाम के साथ साथ सबको बता दिया कि हिमांशु कैसा। ठीक है, तो अब हिमांशु को मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो क्यों विक्टोरिया स्फूर्ति बेटा ए आंसर दे रही है। ब्रेन गरिमा मिश्रा, मोनिका दहिया, अंजलि सदाशिव। देख बेटा सदाशिव, तूने बिल्कुल सही आंसर दिया है और तुम बोल रहा सर मैं डम हूँ। अर्पिता, वेरी गुड बच्चे, आदर्श। हिमांशु, अंजलि, शिया, ईशु मोहन, कुणाल कुमार, विशाल, श्रुति, सौम्या, बहुत बढ़िया बेटा। आंसर यहाँ पे फर्स्ट होगा ब्रेन। वेरी वेरी गुड, सबसे पहले जाता है ब्लड कैरोटिड आर्टरी से ब्रेन के पास। तुमको पता है अगर ब्रेन को, अगर आप ब्रेन ऐसा ऑर्गन है बेटा, इफ यू ब्रेन को अगर आप 5 से 6 मिनट तक भी ऑक्सीजन नहीं दोगे तो ब्रेन फंक्शनिंग क्या कर जाएगी, हैम्पर हो जाएगी, ब्रेन काम करना बंद कर देगा। समझ आ रही है बात? तो ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होती है और लगभग 20% ऑफ O2 कहाँ जाती है, ब्रेन के पास जाती है हमारी बॉडी की। ठीक है, और लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, तो ये सारी बातें भी आप लोग ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल, ब्रोकास एरिया इन द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल। ये बहुत बड़े सवाल, ब्रोकास एरिया इन द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स, जल्दी से बताओ बेटा आंसर। ईशु मोहन, शिया, सौम्या, मोनिका, बेटा जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताओ बेटा क्या करता है ब्रोकास लॉ? स्फूर्ति ने बोला है और सभी होगा सर, कोरोना केसेस में यही हो रहा है सर। बेटा क्या करें बेटा, कोरोना की तो बात ही मत करो, कोरोना की बात करेंगे हम जब हम वायरस की बात करें। ठीक है, कनिका जाट, विशाल, सभी ने बोला है सर फोर्थ को लॉक कर दो। आदर्श, सक्सेना, गरिमा, हिमांशु, सौम्या, अंकिता, धैया, मोनिका, धैया। चलो बेटा आंसर होगा दो। तो ऑल ऑफ द अबव करने वालों, हिकअप बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा में कंट्रोल होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, ब्रोकास एरिया कहाँ होता है, कितनों को पता है कि ब्रोकास एरिया कहाँ होता है? तो ये होता है तेरा फ्रंटल लोब में। कहाँ होता है बेटा? फ्रंटल लोब में होता है। समझ में आ गई बात? फ्रंटल लोब में होता है ये बात ध्यान रखना आप, ब्रोकास एरिया फ्रंटल लोब। और ये स्पीच को कंट्रोल करता है, यानी कि टंग की मसल को कंट्रोल करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है यानी कि टंग की मसल। थैंक यू सो मच ईशु बेटा, बेटा यही मेहनत है कि जो तेरे आगे काम आने वाली है। तेरे जैसे बच्चे ही आगे जाके एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हैं बेटा, जो अपनी तबीयत खराब होने पे पढ़ाई कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है सर, 4 / 2 मैंने 2 बोला था, गूगल बॉय, गूगल बॉय बेटा, गूगल नाम रखने से इतनी नॉलेज नहीं आ जाएगी तेरे अंदर, इतना दिमाग मत चला। वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि बेटा, तो फ्रंटल लोब में होता है ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड बेटा। ब्रीदिंग एंड हिकअप मूवमेंट लिम्ब सेरिबेलम, बच्चे सेरिबेलम। ठीक है, मूवमेंट तो सेरिबेलम करता है ना, अभी इससे पिछला वाला सवाल ही तो बताया मैंने, अभी पहले वाले सवाल भी बताया था। कौन पूछ रहा है बेटा इस बात के सर, वो कंट्रोल कर रहा है? अंकिता धैया, कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। आदर्श, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हु कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन? अंकिता यू ज्वाइन नाउ बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो बेटा शुरू से आया कर अंकिता, सेशन को लाइक और शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे तुम लोग? लाइक और शेयर करो बेटा फटाफट, 50 लाइक तक पहुंचाओ सेशन को, जल्दी करो भाई, जल्दी करो।
आंसर डी होगा इसका, डेफिनेटली इसका आंसर डी होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड। सिया, सौम्या, अंकिता, गरिमा, वेरी गुड, गरिमा मिश्रा, श्रुति, सौम्या शर्मा, गुरप्रीत सिंह। ये बेटा खत्म होने वाला है, बस 12:01 बज गया, खत्म कर देते हैं हम इसको। ये आखिरी सवाल था ये वाला। एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग इमोशन, घातक भावनाओं से भरा हुआ एरिया कौन सा? तुम्हारी जो भावनाएं उमड़ उमड़ के आती है वो वाला एरिया बता दो। ठीक है जल्दी बताओ, द एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा सद्भावना, बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा अर्थात हमारी भावनाओं को समझो। बताओ भैया तुम्हारी भावनाएं होती कहां पर है, जल्दी बताओ अर्पिता। ए होगा आंसर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, स्फूर्ति बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड स्फूर्ति, गूगल बॉय, ईशु मोहन, बहुत बढ़िया कुणाल, सभी बच्चे। सेरिबेलम यानी कि लिम्बिक सिस्टम, इसका आंसर बच्चे थर्ड होगा। ठीक है लिम्बिक सिस्टम, मैंने बोला तुम सभी को कि हालांकि ये लिम्बिक सिस्टम सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट हो सकता है, बट लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल रेज, गुस्सा, ठीक है, लव, इमोशंस, एंगर, ठीक है, सब कुछ लिम्बिक सिस्टम करता है। ठीक है फियर, मैंने अभी अभी पढ़ाया लेक्चर के अंदर, किसी भी ऐसे अगर आप लिम्बिक सिस्टम हटा दो तो वो फियरलेस हो जाता है वो आदमी, वो क्या हो जाता है, वो आदमी फियरलेस हो जाता है। तो आंसर बेटा स्फूर्ति, वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि, स्फूर्ति, कुणाल, ईशु मोहन, बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चों ने ए और बी आंसर दिया था यहाँ पे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, हिमांशु आगे चलते हैं, और ये आखिरी आज के दिन का आखिरी सवाल है जिसका आंसर तुमको शायद दिख गया है, जल्दी से आंसर करो बेटा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज, दिस द लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है बेटा, मैंने दिया था, मैंने बोला था कि अगर किसी में से लिम्बिक सिस्टम हटा दे तो वो फियरलेस हो जाता है। चलो इसका आंसर करो फटाफट, जो तुमको दिख गया होगा ये आंसर कर दिया बच्चे ने तो ये सही है। रैपिड रिलेइंग ऑफ नर्व सिग्नल, रैपिड रिलेइंग ऑफ नर्व सिग्नल, यही काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, भी जल्दी से नर्व ट्रांसमिट हो जाए। सौम्या, गरिमा, अर्पिता, बहुत बढ़िया बच्चों, और ये आज का आखिरी सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट द मैमेलियन फोर ब्रेन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मैमेलियन फोर ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ऑल्फैक्टरी बल्ब, सेरिबेलम, मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम। ये बहुत सिंपल सवाल है, शुरू में ही पढ़ा दिया था। ईशु मोहन, सौम्या, गूगल बॉय, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा इसका। साक्षी आइए बेटा, कुणाल जी को याद करते हुए आप। गरिमा, क्या आंसर होगा बेटा इसका, फोर ब्रेन, स्फूर्ति बेटा, वेरी गुड, द फोर्थ आंसर इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। स्वतंत्र शर्मा बेटा, हाय, हेलो, हाउ आर यू। शिया बेटा ए नहीं होगा, सौम्या ए नहीं होगा, गरिमा ए नहीं होगा, आंसर फोर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ सुफूर्ति का सही है, यानी क्वीन विक्टोरिया का सही और अंकिता दैया का सही है। ठीक है ईशु मोहन का भी सही है, बाकी सभी गलत है। अशोक यादव हाय, सौम्या गलत हो गया बेटा एक आंसर, अभी तक सारे सही थे बट एक गलत हो गया है। साक्षी साइलेंट हार्ट अटैक, वेरी गुड बच्चे, तो आंसर हो गया फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन में गलती कर दी बट स्फूर्ति ने बहुत अच्छा खेला है। ठीक है स्फूर्ति, अगर ये हमारा आज का आखिरी सवाल है तो बहुत बढ़िया बेटा स्फूर्ति, वेरी गुड शिया, वेरी गुड सौम्या, ईशु, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड अंजलि, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया है, गूगल बॉय का भी नाम भी लिखना चाहिए उनको। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड शिया, वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गरिमा, वेरी गुड गरिमा बेटा, वेरी गुड अर्पिता, वेरी गुड, ठीक है बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक, क्या बात है, ये तो कवर नहीं करना था। कुणाल, वेरी गुड,
वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल तो बहुत बढ़िया, तुम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी को ह्यूमन ब्रेन आ गया होगा। कुणाल बेटा आ गया ना मेरा, ठीक है, तुम सभी को ह्यूमन ब्रेन समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंकिता, मोनिका, मोनिका दया हुआ जवान पर अभी वो है नहीं, वेरी गुड बच्चे, ठीक है, चलेंगे आगे। चलो बच्चों, तो ये बच्चों मेरा कोड है और जिसका इस्तेमाल आप लोग करिए और जिससे आपको फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हो आप। आरएसएस चैनल कोड की मदद से यू कैन अनलॉक योर फ्री क्लासेस ऑन योर अनअकैडमी ऐप, ठीक है बच्चों, और इससे आप लोग क्विजेस भी अनलॉक कर सकते हैं। एंड आरएसएस 10 कोड के माध्यम से आप लोगों को 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो यूज द कोड RSS10 सो दैट यू कैन अनलॉक द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और 4 बजे जेनेटिक्स, याद से आ जाना, जेनेटिक्स का लेक्चर है 4 बजे। बहुत अमेजिंग चीजें करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बहुत बढ़िया वाले। तो 4 बजे सही मुझे मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच स्फूर्ति, थैंक यू बच्चों, हम 4 बजे मिलेंगे। सही बच्चे ध्यान से आ जाएंगे। बाय बाय गाइस, यूज द कोड असिस्टेंस सो दैट यू कैन गेट अ 10% ऑफ एंड गेट अ सब्सक्रिप्शन सो दैट योर स्टडीज कैन बी मच स्मूथर। बाय बाय।